So yo guys, I'm back again with a very new and very interesting video. As I told you in the previous video or official launch of my channel Y.V.S Studios, that I will upload a video on 5 ways to start your own indie game studio. So friends, let's get this started without wasting any time. But friends, before that main aap log se sorry kehna chahunga kyunki अपोलोजाइज करना चाहूँगा क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत समय बाद बनाऊँ. मेरा ये थर्ड ट्रायल है और जो फर्स्ट ट्रायल था वो सही बना था, लेकिन उसमें ट्रांसफर एरर्स और कुछ टेक्निकल एरर्स आ गई थी जिसकी वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया और थोड़ी एडिटिंग में भी मिस्टेक्स थी. तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं. हमें समय नहीं गंवाना है और फ्रेंड्स, अपने घर पर सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ. और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा. और शेयर करने के बाद कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा. सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पांच तरीके बताऊंगा अपना खुद का इंडी गेम स्टूडियो शुरू करने के बारे में. सो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी वही बताने जा रहा हूँ. सो फ्रेंड्स, लेट्स जंप इनटू आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो फ्रेंड, फर्स्ट वे इज टू चूजिंग योर गेम इंजन. फ्रेंड्स, गेम इंजन क्या होते हैं मैं आपको पहले ये डिफाइन कर देता हूँ. फ्रेंड्स, गेम इंजन एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें कोई भी गेम डेवलपिंग कंपनी, कोई भी गेम डेवलपर अपना गेम इंजन डेवलप करता है. मान लीजिए मैं एक गेम डेवलपर हूँ, ठीक है, और फ्रेंड्स मुझे कोई गेम डेवलप करना है तो मैं क्या करूँगा, एक गेम इंजन ऑनलाइन डाउनलोड करूँगा और उस पर वर्क करके अपना गेम बनाऊँगा. फ्रेंड्स, गेम इंजन पे आप अपने गेम को क्रिएट करते हैं, उनका लेवल क्रिएट करते हैं, लेवल्स क्रिएट करते हैं, गेम यूआई, गेम एआई और जितनी भी चीज़ें गेम में डेवलप करने वाली होती हैं वो सब आप अपने गेम इंजन में डेवलप करते हैं. फ्रेंड्स, कुछ गेमिंग गेम डेवलपिंग कंपनीज खुद का गेम इंजन यूज़ करती हैं और कुछ गेम डेवलपिंग कंपनी इस डाउनलोड करके करती हैं. अभी फ्रेंड्स जो डाउनलोड करके करती हैं, जैसे पबजी हो गई. फ्रेंड्स, पबजी अनरियल गेम इंजन में बना है और फ्रेंड्स अनरियल गेम इंजन के ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं और फ्रेंड्स ये एपिक गेम्स ने बनाया है. अब फ्रेंड्स उसके बाद आता है पबजी के बाद कि जो खुद का जिन्होंने अपना गेम इंजन खुद डेवलप करके उसमें गेम बनाते हैं. सो फ्रेंड्स, बहुत ही फेमस गेम है GTA. फ्रेंड्स, GTA पूरी दुनिया में खेला जाता है और इनके क्रिएटर्स ने, रॉकस्टार गेम्स ने अपना खुद का गेम इंजन बनाया और उसमें ही अपने गेम डेवलप करते हैं. और फ्रेंड्स, ये वाले गेम इंजन शायद ही अवेलेबल होते हैं क्योंकि रेज जो है जिसमें GTA बना है वो अवेलेबल नहीं है, आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते. अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे तो हम मेरे लिए सबसे अच्छा गेम इंजन कौन सा है. सो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप लोग के लिए सबसे अच्छे गेम इंजन कौन से हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना दिया है जहाँ पे सबसे पहले मैं अभी आपको दिखाता हूँ. फ्रेंड्स, सबसे ऊपर मैंने यूनिटी को रखा है. फ्रेंड्स, यूनिटी जो है, वन मिनट फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, जो ये यूनिटी है वो 2D एंड 3D बोथ के लिए है और फ्रेंड्स यूनिटी में आप अपना 2D एंड 3D बोथ गेम बना सकते हैं. फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री है और आप अगर आपको इसको प्रो वर्जन चाहिए तो फिर आप प्रो वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें हम लोग बहुत ही इजी और न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिसका नाम है C#. सो फ्रेंड्स, ये 2000 में आई है, सबसे नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सी की सबसे नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फ्रेंड्स.
और फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है फ्रेंड्स ये। और फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर पे आता है अनरियल गेम इंजन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अनरियल गेम इंजन 3D सिप गेम बनाता है और ये आपके टोटल इनकम में से 5% लॉयल्टी भी लेता है फ्रेंड्स। 5% लॉयल्टी कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है जब आप जिसमें आपको 20 से 30% अब प्लेटफॉर्मर और गेम पब्लिशर को देना होता है। और फ्रेंड्स गेम मेकर स्टूडियोज पेड है और ये 2D में हम सिर्फ गेम बना सकते हैं गेम मेकर स्टूडियोज में। फ्रेंड्स अनरियल में क्या है फ्रेंड्स इसमें आपको C++ और C++ लैंग्वेज सपोर्ट करता है अनरियल। और फ्रेंड्स इसमें एक और चीज़ है ब्लूप्रिंट जिसका मतलब है आपको सारी चीज़ें खुद नहीं लिखनी पड़ेंगी वो अपने आप चीज़ें करके देगा। लेकिन ब्लूप्रिंट के ये नुकसान है कि आप इसमें सारी चीज़ें ब्लूप्रिंट में चेंज नहीं कर सकते तो बाद में आपको C++ सीखनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स गेम मेकर स्टूडियोज पेड है उसमें ये यूज करते हैं GML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये खुद गेम मेकर स्टूडियोज की ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फ्रेंड्स और ये जावा के सिमिलर है फ्रेंड्स। मतलब इसकी ज्यादातर चीजें जावा से मिलती जुलती हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ फ्रेंड्स गेम मेकर स्टूडियोज का अगर हम लोग हटा देते हैं तो फिर क्योंकि गेम मेकर स्टूडियोज पेड है और अनरियल और यूनिटी फ्री है। अनरियल आपसे 5% की लॉयल्टी लेता है जब आपकी इनकम 3K डॉलर्स के ऊपर होती है। सो फ्रेंड्स मैं भी आपको बताता हूँ फ्रेंड्स जो हमारे पास होती है यूनिटी तो फ्रेंड्स यूनिटी तो फ्रेंड्स यूनिटी बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है सी शार्प जो कि बिगनर्स के लिए एकदम इजी है बिगनर फ्रेंडली है। और अगर आप फ्रेंड्स गेम डेवलपिंग में आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सी शार्प ही सीखें क्योंकि फ्रेंड्स C++ की प्रोग्रामिंग थोड़ी ज़्यादा हाई हो जाती है और अनरियल C++ ही सपोर्ट करता है। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ यूनिटी आप यूज़ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाइफ टाइम के लिए यूनिटी ही यूज करें। जब आप सी शार्प में एक्सपर्ट हो जाए तो आप अनरियल का यूज करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि सी शार्प C++ दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और फ्रेंड उसके C++ और सी शार्प में काफी चीजें सिमिलर भी हैं तो आपको अनरियल यूज करने में आसानी भी होगी। अब फ्रेंड्स ग्राफिक में अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं जिसकी 3D ग्राफिक्स में फ्रेंड्स पहले तो मैं यूनिटी और गेम मेकर स्टूडियोज के बीच में 2D ग्राफिक्स में कंपैरिजन कर देता हूँ फ्रेंड्स। गेम मेकर स्टूडियोज और 2D सॉरी यूनिटी के दोनों के ही ग्राफिक्स एकदम सिमिलर हैं ज़्यादा इसमें कुछ फर्क नहीं है और यूनिटी के बल्कि और अच्छे हैं क्योंकि इसमें 3D भी सपोर्ट होता है। और फ्रेंड्स अब ये 3D की बात करें तो इसमें अंडिया और यूनिटी दोनों एक दूसरे को लाइफ लॉन्ग राइवल्स हैं। ये हमेशा के लिए हमेशा से ये लाइफ लॉन्ग राइवल्स हैं। और फ्रेंड्स यूनिटी के भी ग्राफिक्स अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं और हमारे अनरियल के ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा पहले से ही बहुत अच्छे हैं लेकिन अब यूनिटी भी अपने ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे कर रही है। अब फ्रेंड्स हमारे सेकेंड नंबर पे चीज आती है हमारे चूजिंग सॉफ्टवेयर फॉर अदर देन गेमिंग फ्रेंड। अब कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए आपको? आपको 3D मॉडलिंग एनिमेशन सॉफ्टवेयर चाहिए मतलब 3D एंड 2D ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए और ऑडियो एडिटर्स चाहिए वीडियो एडिटर्स चाहिए 2D एनिमेटर्स 3D एनिमेटर्स और वीडियो सॉरी फ्रेंड्स वीडियो एडिटर्स ऑडियो एडिटर्स भी चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको 3D ग्राफिक एडिटर के बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स। 3D ग्राफिक एडिटर में सबसे बढ़िया ग्राफिक एडिटर है बिगनर्स के लिए ब्लेंडर फ्रेंड्स। ब्लेंडर ही बहुत ही अच्छा ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर 3D ग्राफिक एडिटिंग। मैं अभी आपको उसको थोड़ा ब्लेंडर दिखाता भी हूँ। लेट मी ओपन माय ब्लेंडर। सो
सो फ्रेंड्स, मेरा ये ब्लेंडर खुल चुका है। यहाँ पे मैंने एक मॉडल भी खोल लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने ये ऑनलाइन डाउनलोड किया था। और फ्रेंड्स, ब्लेंडर में ये खासियत है कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इसमें आप एनिमेशन कर सकते हैं, गेम लॉजिक्स, मोशन ट्रैकिंग, स्क्रिप्टिंग भी होती है इसमें, पाइथन सपोर्ट करता है। और फ्रेंड्स, मैं भी आपको एक मिनट दिखा रहा हूँ। अगर मैं न्यू पे जाता हूँ, सो फ्रेंड्स, आप जनरल में कुछ जनरल चीजें कर सकते हैं, जैसे कि छोटे मोटे मॉडल्स बना सकते हैं। 2D एनिमेशंस में फ्रेंड्स आप 2D एनिमेशन कर सकते हैं। मान लीजिए एक आपने कैरेक्टर 2D कैरेक्टर बनाया है और उसको आप इसमें एक्सपोर्ट कर दीजिए उसकी हर एक लेयर के साथ। तो इसमें आप रेंडरिंग करके उसकी 2D एनिमेशन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। स्कल्प्टिंग कर सकते हैं, मान लीजिए इस मॉडल को, ये मॉडल है तो आप इसको स्कल्प्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये मॉडल है तो आप इसको स्कल्प्ट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी मैं अभी आपको और फंक्शन बताता हूँ, VFX। फ्रेंड्स, आप इसमें विजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करके अपने वीडियोस में ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए मैंने एक विजुअल इफेक्ट क्रिएट किया, अब उसको मैं वीडियो एडिटिंग में मैंने एक वीडियो क्रिएट किया, उसमें अब मैं वो विजुअल इफेक्ट एक्सपोर्ट करके उस वीडियो की खासियत बढ़ा सकता हूँ ताकि वो वीडियो और अच्छा लगे मेरा। तो फ्रेंड्स, ब्लेंडर बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है बिगनर्स के लिए। और नॉट ओनली बिगनर्स फ्रेंड्स, ये प्रो सॉफ्टवेयर है, एकदम प्रो प्रो फील आएगा जब आप इसको यूज करेंगे। प्रो भी इसको यूज करते हैं। और जैसे कि मान लीजिए इसमें रेंडरिंग होगी तो फिर आप कुछ इसकी शिफ्ट ए दबाया, आर्मेचर गए। और फ्रेंड्स, यहाँ आर्मेचर में मैंने जी दबाया, यहाँ इसकी बेली पे लाया मैं, यस, और जी नॉट सॉरी जी एस, मैंने इसको छोटा कर दिया। अब फ्रेंड्स, मैं एडिट मोड पे जाऊंगा, लेट मी फोर या आई हैव फोकस ऑन इट, लेट मी टेक इट टू दिस सेंटर ऑफ वर्नेशंस। मैं इसको इस बोन को इसके सेंटर में लाता हूँ, जी वर्नेशंस सॉरी। यहाँ मैं आर्मेचर के व्यूपोर्ट पे जाता हूँ, व्यूपोर्ट डिस्प्ले और इन फ्रंट एंट्रेंस, लेट मी लेट इट डन। हाँ तो फ्रेंड्स, ये आ चुका है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अभी मैं ई दबा कर, फ्रेंड्स 1 मिनट, ई मैंने मान लीजिए फ्रेंड्स मैं अभी इसको आपको थोड़ा ई दबा कर मैं इसको फ्रेंड्स अभी आपको पूरा यू। सो फ्रेंड्स, अब बात आती है हमारी 2D ग्राफिक एडिटर की। सो फ्रेंड्स, 2D ग्राफिक एडिटिंग में आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज कर सकते हैं। आप ब्लेंडर को यूज कर सकते हैं, आप अडोब फोटोशॉप तो टॉप पे है, तो फ्रेंड्स अडोब फोटोशॉप को भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वो पेड है, उसकी प्राइसिंग है इंडियन रुपीज में समथिंग लाइक 14,563 रुपीज। और फ्रेंड्स, अगर आपको उसका फ्री ऑल्टरनेटिव चाहिए तो फ्रेंड्स जिम्प, यहाँ पे मैंने जिम्प को अपने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये अडोब फोटोशॉप के सारे फीचर सपोर्ट करता है। और फ्रेंड, जैसे कि आप अडोब फोटोशॉप में जो जो चीजें करते हैं उस वैसी चीजें इसमें भी कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जिम्प। और यहाँ पे मेरे पास भी जिम्प है, अभी मैं आपको इसको यूज करके भी दिखा दूंगा। और फ्रेंड्स, उसके बाद 2D एनिमेशन में आते हैं, तो 2D एनिमेशन में सिनफिग स्टूडियो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। सिनफिग स्टूडियो पहले पेड था लेकिन अब फ्री हो गया है। सिनफिग स्टूडियो पहले सिनफिग स्टूडियो तो बहुत महंगा था, अब फ्री हो गया है। और फ्रेंड्स, इसमें ये बहुत ही फेमस 2D एनिमेटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर ये ओनली एंड ओनली फॉर 2D एनिमेशन है, आप इसमें पहले उसकी बोन रेंडरिंग करके उसके बाद इसमें आप अपनी एनिमेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम हमारे ऑडियो एडिटर की। तो फ्रेंड, ऑडासिटी सबसे बेस्ट ऑडियो एडिटर है फ्रेंड। ऑडासिटी को आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। और फ्रेंड, ऑडासिटी में आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपका गेम है उसमें आपको कोई ऑडियो ऐड करनी है, मतलब जैसे कि प्लेयर जंप के ऑडियो टा
तो अगर आपको वो ऐड करनी है तो फिर आप उसको रिकॉर्ड करिए, ऑडेसिटी में रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद एडिट करके, आप एडिटिंग करने के बाद ऑडेसिटी में उसको एक्सपोर्ट कर, अपने गेम में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ऑडेसिटी में कोई भी साउंड रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको एडिट करिए, अपने गेम में एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप ऑडेसिटी की साउंड। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास आइडिया। फ्रेंड्स, आइडिया और रिसर्चिंग, फ्रेंड्स आइडिया और रिसर्चिंग बहुत ही कंपलसरी चीज है फ्रेंड्स। आपके मन में हो सकता हो गेम डेवलपमेंट के लिए आइडिया नहीं आता हो, और अगर फ्रेंड्स आइडिया आता हो तो फिर आपको गेम डेवलपमेंट गेम बनाना ही आता हो। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको अपना पहले आइडिया, आप एक नोट पैड लीजिए, उसमें अपने आइडिया लिखिए या फिर बनाइए, आपको जो करना है। मेरा खुद का एक नोट पैड है, मैं उसमें अपना आइडिया लिखता हूँ, बनाता हूँ उसका डायग्राम कि कैसे मेरा गेम होगा, यहाँ पे अगर मैं अप्ले यहाँ होगा तो क्या कौन कौन से कोड एग्जीक्यूट होंगे। सो फ्रेंड्स, आप भी एक अपना नोट पैड, डायरी या फिर कुछ ऐसी नोटबुक बना के उसमें आप लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद अब आपको उसमें प्रॉब्लम्स फाइंड करनी होंगी कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक गेम बना रहा हूँ मान लीजिए। अब फ्रेंड्स, उसमें मुझे लेवल सेलेक्ट मेन्यू बनाने में दिक्कत आएगी। सो फ्रेंड्स, अगर मुझे लेवल सेलेक्ट मेन्यू बनाने में दिक्कत आ रही है तो फ्रेंड्स मैं जाऊंगा उस, सबसे पहले तो मैं उसको अब नोट पैड में अपनी एक अलग कॉलम बनाऊंगा, प्रॉब्लम कॉलम। उस गेम चैप्टर, एक गेम मान लीजिए आपने चैप्टर वन लिखा, चैप्टर वन का नेम लिख दिया आपका जो गेम का नेम है, उसमें आपने प्रॉब्लम सबसे पहले अपना आइडिया लिखा, आइडिया का डायग्राम बना लिया कि आपके गेम में क्या क्या होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे चीज लिखी प्रॉब्लम्स। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स उसमें आप ढूंढ ढूंढ के लेवल सेलेक्ट, मेरी जैसे प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स मैंने लेवल सेलेक्ट लिखा। उसके बाद लेवल सेलेक्टिंग के बाद मैं जाऊंगा यूट्यूब पे सर्च करूंगा, उसको पेट्रियन पे सर्च करूंगा, उसको उडेसिटी या फिर यूडेमी और लिंडा जैसी वेबसाइट्स पे सर्च करूंगा, और उस पे वर्क करके तब जाके अपना गेम क्रिएट करूंगा। फ्रेंड्स, ये ही राइट मेथड होता है कैसे भी गेम डेवलपमेंट का, अगर आप बिगनर हैं। फ्रेंड्स, ये बिगनर्स स्टेप फॉलोस नहीं करते तभी उनका गेम स्टूडियो नहीं चल पाता। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी इसको स्किप मत करिए अगर आप गेम डेवलपिंग में आ रहे हैं, गेम इंडस्ट्री में। अब फ्रेंड्स, उसके बाद आता है एटलीस्ट क्रिएट अ गेम। फोर्थ चीज है एटलीस्ट क्रिएट अ गेम। फ्रेंड्स, लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं, देखते हैं कि भाई मैं ये गेम ऐसा है, अब मुझे ये दिक्कत आएंगी। जैसे ही वो लिखते हैं प्रॉब्लम्स कॉलम में तो वो डर जाते हैं, भाई ये गेम ऐसा है इसमें ये दिक्कत आएंगी। और फिर जब रिसर्चिंग करते हैं उसके बारे में तब भी थोड़ा लगता है, भाई इसकी कोडिंग बहुत बड़ी है, इसका इसमें ये बहुत बड़ा है, ये बहुत टफ है। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, पहले गेम में आपको टफ लगेगा गेम डेवलपमेंट, लेकिन उसके बाद पूरा एकदम आपको हलवा लगने लगेगा, आपको समझ आसान लगेगा। आप थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, आप उससे रिलेटेड वीडियो देखिए अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आपको सब एकदम आसान लगेगा, आप हर एक चीज कर पाएंगे। और यही लोग होते हैं कि यही लोग पीछे हट जाते हैं, यहाँ तक आते हैं, सॉफ्टवेयर चूज कर लेते हैं, ग्राफिक एडिटर्स चूज कर लेते हैं, आइडिया लिख लेते हैं, लेकिन फिर डर जाते हैं, भाई नहीं होगा मुझसे। तो ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, होगा जरूर आपसे। तो आप जाइए अपना, मान लीजिए मैं यूनिटी यूज करता हूँ, तो अपना यूनिटी ओपन करिए, यूनिटी में अपना सीन पहले बेसिक प्लेटफॉर्म बनाइए, उसके बाद उसमें प्लेयर ऐड करिए, उसके बाद रेस्ट ऑफ दी चीजें ऐड करिए। पहले प्लेयर का मूवमेंट का, प्लेयर का जो जो चीजें हैं वो सब पूरा पहले आपको ऐड कर लेना है। अब फोर्थ चीज, सॉरी फ्रेंड्स, लास्ट चीज आती है हमारी, एटलीस्ट लॉन्च अ गेम। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं कि मान लीजिए आप सेल्फ पब्लिशर हैं, तो फिर आप खुद का गेम खुद बनाते हैं, खुद पब्लिश करते हैं, तो फिर आप जाएंगे गूगल प्ले पे, आपको पब्लिश करना है तो उसमें आपको $25 देने पड़ते हैं, तो फिर फ्रेंड्स आप वहां पीछे हट जाएंगे, भाई मेरा गेम तो स्टैंडर्ड का है ही नहीं, मैं अब चार पांच गेम बनाऊंगा उसके बाद, और जब इसके स्टैंडर्ड का होगा तब मैं पब्लिश करूंगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, अपना गेम कम से कम पब्लिश करके ऑडियंस को अट्रैक्ट तो करिए अपनी तरफ।
किसी गेम पब्लिशिंग कंपनी को दे सकते हैं अपना गेम। और अगर आपको रिस्क लेने से डर लगता है तो फ्रेंड्स रिस्क तो लेने पड़ेंगे गेम डेवलपमेंट में। टेक द रिस्क और लूज द चांस। और या फिर आपके पास सेकेंड ऑप्शन है, आप गेम पब्लिशर के पास जा सकते हैं। फ्रेंड्स मैं गेम पब्लिशर्स की लिस्ट सबसे ऊपर है हमारा जेप्टो लैब। फ्रेंड्स जेप्टो लैब वो गेम कंपनी है जिसने गेम पब्लिशिंग कंपनी है जिसने कट द रोप जैसे गेम पब्लिश किए हैं। फ्रेंड्स जितने भी पार्क है कट द रोप के वो जेप्टो लैब ने ही पब्लिश किए हैं। और फ्रेंड्स सेकेंड नंबर पे आ गया हमारा गेम हाउस। फिर नैनोवेशन लैब है। फ्रेंड्स नैनोवेशन लैब का हेडक्वार्टर सिलिकॉन वैली पे है जो कि अभी दुनिया की सबसे पावरफुल जगह है। सबसे पावरफुल जगह है हमारी सिलिकॉन वैली। और फ्रेंड्स हमारा हो गया प्ले प्ले फन। फ्रेंड्स प्ले प्ले फन ब्राउजर्स में ही सिर्फ अपलोड कर सकते हैं अगर आप ब्राउजर्स वेब जीएल के लिए गेम बना रहे हैं तो। फ्रेंड्स कम से कम उसमें आप अपना गेम बनाइए, बना के लॉन्च तो करिए। लॉन्च करने से डर जाएंगे तो फ्रेंड्स अभी आपको फिर आप जब अपना छठा गेम बनाएंगे तो आपको लगेगा अभी भी उसे स्टैंडर्ड का नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे तो आप कभी अपना गेम लॉन्च ही नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप अपना गेम बना के लॉन्च करिए। और गेम पब्लिशर्स ये होते हैं कि थोड़ा सा लॉयल्टी लेंगे, मतलब 30-70 का मामला फिक्स हुआ, 30% वो खुद लेंगे, 70% आपको दे देंगे। और फ्रेंड्स उससे ये होता है कि वो पहले से वेल एस्टेब्लिश होती हैं गेम पब्लिशिंग कंपनीज, तो उनके पास ऑडियंस ज़्यादा आती है, वो उनके ज़्यादा गेम्स खेलती है। सो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय। स्टे एट होम, स्टे सेफ, और प्लीज घर से बाहर मत निकले। इस समय हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। बाय फ्रेंड्स। गाइस सपोर्ट मी ऑन पेट्रियन एंड गेट योर नेम इन प्लेस ऑफ दीज क्वेश्चन मार्क्स।